आज की रात इस पार्टी का पेटेंट तमाशा जिसमें गोलियों की गड़गड़ाहट, तलवारों की झनकार, मारपीट से भरपूर संगीत, विश्वासघात, देव महानारी उर्फ डाकू लाखन सिंह पेश किया गया है। हमारे पहले अंक में जो जो कलाकार जाएंगे इनका पात्र चेक कीजिए। रियासत रामगढ़ के महाराज जिनका नाम है महाराज समर सिंह। अंधेर जारी हो गया, न्याय का मुख कौन है? राजा जब बरी हुआ फिर खुदा का कौन है? राजकुमार जा रहे हैं जिनका नाम राजकुमार अमर सिंह। इंसान इंसान से हो इंसान का भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम अमर सिंह। हरा महाराज के सेना का सेना पद जा रहा है नाम है सेनापाल विक्रम सिंह। वफादार हूँ। वफादारी उठाया है, ये हाथ वही है जिन हाथों से महाराज का नमक खाया है। विक्रम सिंह। हाँ, महाराज समर सिंह के छोटे भाई जा रहे हैं क्रूरता से भरे हुए जिनका नाम है कहर सिंह। गजब का सोलह हो आफत का जो सेना भरा समंदर हो, माया के पुतले हो दुश्मनों को टसोगा, माँ वो कला पिता हो खोखार हो चाल हो रियासत रामगढ़ की एक आवारिस लड़की जा रही है जिसके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया है, जिसका नाम है पुष्पा। आइए साथियों, आप पूरे चलते हैं इसी रियासत में एक कस्बा किशनगढ़ पड़ता है। किशनगढ़ के एक जमींदार जा रहे हैं क्रूरता से भरे हुए जिनका नाम है जमींदार रणजीत सिंह। करूंगा जुर्म की वर्षा, खूब क्या गिराऊंगा, छाती काट जाएगी, धर्म और पाप दोनों में गजब का थोड़ा जमाना पूरा करेगा। जमींदार रंजीत सिंह की इकलौती बेटी जा रही है जिनका नाम है शोभा। हरा इसी किशनगढ़ के एक गरीब किसान जा रहे हैं जिनका नाम है किसान गंगा दीन। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी गंगा दीन।
प्रताप 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 गंगाधीर की बेटी अर्थात प्रताप की बहन गा रही है, जिसका नाम है पूजा पूजा पूजा। आइए साथियों, आप बड़े चलते हैं चंबल घाटी की भीड़ों में, चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा डाकों का सरदार, जिसका नाम है लाखन सिंह। कर रही तो नौजवान थे, नजर नजर जिस दौलत पर डालता हूं उसे दम भर में छीन लेता हूं। शेरा शेरा शेरा। हाँ साथियों, इतने ही कलाकारों से हमारी संगीत प्रारंभ होती है। कहानी की शुरुआत रियासत रामगढ़ महाराज के दरबार से शुरू होती महामंत्री का आगमन हो रहा है। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे सतर्क हो जाओ। हम लोग सेनापति काम सुन जी महामंत्री जी तथा दरबार के अंग के उच्चारण अभी सूचना मिली है कि हमारे बड़े भाई अर्थात महाराज कहने का समय हो चुका है। इसलिए दरबार के सभी कर्मचारीगण अपने उचित स्थान पर तैनात रहना। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, तो हाँ